आमिर खान की फिल्म सरफरोश की रिलीज को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जहां फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद थी। यहां आमिर खान ने मीडिया से बात की, इस दौरान सरफरोश के सीक्वल की बात निकल गई। इस पर आमिर ने कहा कि सरफरोश 2 ज़रूर बननी चाहिए। वो ये बात कब से फिल्म के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू को बोल रहे हैं। सरफरोश की स्क्रीनिंग पर मीडिया से आमिर ने बातचीत की। इस दौरान मीडिया का जवाब देते हुए आमिर ने कहा, आपने हमारे दिल की बात छीन ली है। मैं तो कई सालों से जॉन के पीछे पड़ा हूँ कि सरफरोश 2 बनाओ, बल्कि हमने फिल्म के आखिरी सीन में थोड़ी फीलिंग भी दी थी कि सरफरोश 2 आने वाली है। मैं आप सभी को ये वादा करता हूँ कि हम इस फिल्म के सीक्वल को थोड़ा सीरियसली लेंगे, साथ ही फिल्म के लिए सही स्क्रिप्ट निकालेंगे। मैं भी जॉन के साथ दोबारा काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ दिनों पहले सरफरोश के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत की थी। यहाँ उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग के पीछे की कहानी बताई। जॉन ने बताया कि फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान को कास्ट करना नहीं चाहते थे, वो शाहरुख खान को लेकर सरफरोश बनाना चाहते थे। किस्सा ये है कि फिल्म प्रोड्यूसर और एडलैब्स के मालिक मनमोहन शेट्टी शाहरुख की फिल्म कभी हाँ कभी ना और इंग्लिश बाबू देसी मैम को प्रोड्यूस कर चुके थे। अब वो सरफरोश नाम की फिल्म पर पैसा लगाने जा रहे थे। उन्होंने जॉन से कहा, आप इस फिल्म में भी शाहरुख को ही लीजिए, ऐसे में मैं उनके साथ 3 फिल्मों को डील कर लूँगा, इससे मेरे पैसे भी बच जाएंगे। इस पर जॉन ने कहा कि उन्होंने प्रोड्यूसर को साफ मना कर दिया और कहा कि शाहरुख खान इस रोल के लिए ठीक नहीं है, इस फिल्म के लिए उनके दिमाग में कोई और एक्टर है। जॉन ने इस बातचीत में आगे जोड़ा, मैं आमिर को फिल्म में कास्ट करना चाहता था, मैंने उनकी फिल्म दिल देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे उनके चेहरे में एक ईमानदारी नज़र आई और लगा कि सरफरोश में अजय के किरदार के लिए वह एकदम परफेक्ट है। सरफरोश में आमिर खान के साथ सोनाली बेंद्रे, नसरुद्दीन शाह, मुकेश ऋषि और मकरंद देशपांडे जैसे एक्टर्स भी अहम रोल में नज़र आए थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म में एक छोटे से किरदार में दिखाई दिए थे। खैर, सरफरोश को उस साल राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा इसे कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में रीमेक भी किया गया था। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शशांक ने। सिनेमा से जुड़े ऐसे और कंटेंट के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। मैं हूँ अंजलि, शुक्रिया।